जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कर्म कृतम् शुभाशुभम्, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3rd और 4th अध्याय में कर्म पर क्या ज्ञान दिया है, आज उसे समझेंगे। किस प्रकार अपना कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का विश्वास है। एक है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म को छोड़ देने से या उसे त्याग देने से न तो कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कोई कर्मयोगी बन सकता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। हे अर्जुन, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वे देवता खुश हो करके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। अर्थात बिना कर्म किए कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर, सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती, वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें, जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है
कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर आशा और ममता को छोड़कर युद्ध करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, वो फल की इच्छा नहीं रखता, सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं और जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वो ब्रह्म को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम कृष्ण शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंप कर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है
जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनका लक्ष्य ये नहीं है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अपना यज्ञ चुनकर कर्म करें। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यहाँ श्री भगवान यही समझा रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये लोग इतने बुरे कर्म करते हैं फिर भी इन लोगों को कभी सजा नहीं मिलता है, आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा। शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे। महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है।
शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है। महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां है जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार, जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था।
उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।